हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गोपाल जी के लिए ये सिंपल सी बेसिक ड्रेस, और ये ड्रेस हम एक नंबर के गोपाल जी के लिए बना रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने एक ग्रीन कलर का फैब्रिक कट कर लिया है, जिसकी चौड़ाई है 2.5 इंचेस और इसकी लंबाई है 20 इंचेस। तो अब हमको क्या करना है कि इसकी जो लंबाई है ना, उसमें हमको इसको फोल्ड करके एक बार सिलाई कर लेना है। तो हम इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और इस पर अच्छे से एक बार सिलाई लगा लेंगे। तो मैं सिलाई लगा लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने इस पे अच्छी तरीके से एक बार सिलाई लगा ली है। इससे क्या होगा, जो हमारे फैब्रिक में से एक्स्ट्रा जो थ्रेड्स निकलेंगे वो सारे अंदर हो जाएंगे। ठीक है, अब हमने सिलाई लगा ली है एक साइड, बट अभी हमको ये जो हमारी चौड़ाई में है, चौड़ाई में ना मतलब इन दोनों साइड्स में और सिलाई लगाना है। तो ये देखिए, मैंने दोनों साइड्स में भी अच्छी तरीके से एक एक बार डबल फोल्ड करके सिलाई को लगा लिया है। अब क्या करना है, मैंने यहाँ पर ये एकदम सिंपल सी लेस ली है, जिसको कि हम लंबाई में पूरे पे इस तरीके से लगा देंगे। तो चलिए मैं इसको लगा देती हूँ। तो ये देखिए, मैंने लेस को अच्छे तरीके से लगा दिया है। अब हमको क्या करना है, इस तरीके से थोड़े थोड़े से कपड़े को उठाना है और इस पर हमको इस तरीके से प्लीट्स बनाते जाना है। आप ऊपर और नीचे दोनों साइड से कपड़े को उठाकर छोटी छोटी प्लीट्स बनाते जाएं और बस हमारी प्लीट्स बनती जाएंगी। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से बनाती जा रही हूँ। थोड़े थोड़े से कपड़े के पोर्शन को उठाएं और प्लीट्स बनाते जाएं। तो ऑटोमेटिकली जो हमारा सर्कल है वो बनके रेडी हो जाएगा। तो चलिए मैं अपने सारे घेरे पर अच्छे से प्लीट्स डाल देती हूँ। तो ये देखिए, मैंने प्लीट्स डाल दी हैं, तो हमारा जो ड्रेस का घेरा है वो बनकर रेडी है। अब हमको इस पर चोली को अटैच करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये एक लंबी सी पट्टी कट कर ली है, जिसकी लंबाई है 7 इंचेस और इसकी चौड़ाई है 1.1 इंच कुछ आ रही है, मतलब इतना ही 1 इंच तक ले लेना है। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो जाए तो कोई नहीं, वो सिलाई में दब जाएगा। तो अभी मैं एक साइड वही जो सेम लेस मैंने घेरे पर लगाई थी, वही सेम लेस मैंने चोली पर भी लगा दी है। एक साइड लगाई और फिर इसको हमने बीच में से फोल्ड कर लिया है, मतलब हाफ हाफ करना है और इसको कट कर देंगे हम बीच में से ये। तो आप इसको ना फिर से इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखें, मतलब जो सीधा वाला साइड है उसको अंदर रखें और उल्टे साइड से, पीछे की साइड से आप इसको तिरछे में सिलाई कर लें। इस पर अच्छी तरीके से डबल सिलाई कर दें ताकि हमारा जो चोली है वो अच्छी मजबूत बने। तो ये देखिए, ये इस टाइप से हमारी चोली रेडी है। बस अब हमको इस पे घेरे पर इसको अटैच करना है। तो हम हमारे घेरे के सेंटर पॉइंट पर चोली के सेंटर पॉइंट को रखेंगे और इस तरीके से रखकर उस पर सिलाई लगा लेंगे, और ये जो हमारी स्लीव्स हैं उनको भी हम इस तरीके से रखकर अटैच कर लेंगे।
देखिए कुछ इस तरीके से हमको रखना है और इस पर एक बार अच्छे से सिलाई कर लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। और ये एकदम बेसिक सी सिंपल सी ड्रेस है, इसको बनाना भी बहुत इजी है। तो बस ये देखिए मैंने अपने घेरे में चोली को अटैच कर दिया है और सेम इसी टाइप से मैंने जैसे बताया था उसी टाइप से मैंने ये जो स्लीव्स थी उनको भी अटैच कर दिया था। बट सॉरी उसकी क्लिप जो है वो मेरे से डिलीट हो गई है। बट हमारी ड्रेस बनकर एकदम रेडी है। कैसी लग रही है आपको कमेंट्स करके बताना, और पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना।